आईआईटी आईएसएम के द्वारा रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर जमीनी कांटा पटनायक, उपनिदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार के साथ सभी फैकल्टी मेंबर इस अभियान में शामिल हुए और आईआईटी आईएसएम के लगभग 400 से 500 छात्र छात्राएं इस अभियान में शामिल हुए। ये स्वच्छता अभियान रैली आईआईटी आईएसएम कैंपस से शुरू होकर पुलिस लाइन सब्जी मार्केट तक चलाई जा रही है, जिसमें रोड पर फैले कचरा को उठाकर नगर निगम के गाड़ियों की मदद से उन्हें सही जगह पर डंप किया जाएगा। आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जग पटनायक ने बताया कि आज से हम अगले 100 दिनों तक के लिए स्वच्छता संकल्प ले रहे हैं और इन 100 दिनों में हम अपने शहर, अपने कैंपस को स्वच्छ रखने का हर संभव प्रयास करेंगे और इस स्वच्छता संकल्प में हमारे प्रोफेसर सभी को इसमें जोड़े रखने का काम करेंगे और यही हमारा स्वास्थ्य संकल्प होगा। आईआईटी आईएसएम के उपनिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक मुहिम चलाया गया है, जिसमें एक तारीख एक घंटा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 1 अक्टूबर रविवार को यह मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें एक आईआईटी आईएसएम कैंपस से लेकर धनबाद के पुलिस लाइन सब्जी मार्केट तक ये कैंपेन चलाया जाएगा और अपने आसपास की गंदगी को साफ किया जाएगा। स्वच्छता के प्रति सजग रहने के लिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं और ये संकल्प हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके साथ और देखेंगे, जैसा हम लोग अभी संकल्प लिए 100 दिन तक इसको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा मोहल्ला, हमारा काम करने का, हमारा जितने साथी लोग हैं सभी को भी हम लोग इंस्पायर करेंगे कि वो स्वच्छता के ऊपर कायम रहे। यही है आज का हमारा दृढ़ संकल्प है। ये आज हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा मंत्रालय है, भारत सरकार के द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है आज 1 तारीख 1 घंटा। तो हम लोग अभी 1 तारीख 1 घंटे के कार्यक्रम में जो अपने आसपास के जगहों को स्वच्छ करने के लिए जो कैंपेन है वो कैंपेन चलाएंगे और हम यहाँ से अभी पुलिस लाइन तक जाएंगे और जो छोटे छोटे मार्केट हैं हमारे मार्केट के आसपास जो गंदगी है उसको क्लीन करेंगे। उसके अलावा भी जो वेजिटेबल मार्केट है उसके आसपास जो गंदगी है उसको हम लोग क्लीन करेंगे और एक संदेश पहुंचाएंगे कि स्वच्छ भारत समर्पित भारत, जो 247 का भारत जो बोल रहे हैं, 47 का भारत बिल्कुल स्वच्छ भारत होगा। और अभी G20 में भी ये कैंपेन चलाया गया है कि हमको स्वच्छ रहना है, स्वच्छित रहना है। करीब करीब 500 छात्र छात्राएँ और हमारे जितने संस्थान के अधिकारीगण, जो हमारे कर्मीगण, जो हमारे फैकल्टी संकाय के जो लोग हैं, पूरे परिवार के साथ इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। लोगों को संदेश दीजिएगा, लोगों को संदेश स्वच्छता ही सेवा है, यही संदेश देंगे और स्वच्छ भारत समर्पित भारत का हम संदेश।